यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बाकी मैं नाम है हसन अली खान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद खेलने जा रहे हैं इंटरनेट कैफे सिम्युलेटर। आज का एपिसोड बहुत बड़ा होने वाला है, मेगा एपिसोड। अच्छा, मेरे पैसे देख ही सकते हैं कि 170K प्लस है मेरे पास पैसे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में काफ़ी गेम खेला था ये वाला, पैसे जमा करने के लिए। तो आज मैं अपने कैफे को काफ़ी मॉडिफाई करने का सोच रहा हूँ। बाकी आज किचन भी अनलॉक करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ एरिया और बड़ा करेंगे, अपने कैफे को अच्छा बनाएंगे। क्या बात है सर। तो बाकी चलते हैं अपने कैफे की तरफ। आज के एपिसोड में हम लोग आर्केड मशीन वगैरह भी लगाएंगे और गेमिंग पीसी वगैरह भी बिल्ड करेंगे। और अबे भाई कहाँ पे आ गई है, ये रहा। बाकी मैंने आपको लास्ट वाले एपिसोड में बताया था कि मेरे साथ सीन हो गया था कुछ, कि मैंने गेम सेव नहीं करता और मेरा सब कुछ चला गया था। चल झूठा। इस दफा क्योंकि मैंने आर्केड मशीन का काफ़ी नाम सुना है कि आर्केड मशीन बहुत काम की चीज़ होती है, बाकी ये बंदा तो खैर बेच नहीं रहा आर्केड मशीन। और बाकी जो बंदा आप देख रहे हैं ना, कहाँ चले गया, हाँ ये बंदा भी सही नहीं है। ये पॉन शॉप जो ओनर वाला जो है ना, ये सही नहीं बंदा। ये चोर से सामान लेता है और फिर हमें सस्ते दामों में देता है। क्या बोला तूने? मैं जब भी सोचता था कि यार इतने सस्ते दामों क्यों दे रहा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ है, ये 700 रुपये की समझ लो, वैसा हमें मिलती है चीज़ अमेज़ोन पर 1500 रुपये की, ऐसी कुछ, या 1400 रुपये की। तो बाकी बस यही सीन है कि ये हमारे चोर सामान हमारे चोरा के उसको रखवाया था, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आता होगा। अभी तो फ़िलहाल में कैफे बहुत गंदा हो रहा है, तो पहले मैं काम करता हूँ कंप्यूटर कर लेता हूँ जब तक कंप्यूटर थोड़ा रनिंग में आएगा, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं मॉडिफाई अपने कैफे को। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आज हम लोग किचन भी अनलॉक करने वाले, क्योंकि और इसका एरिया और बड़ा करेंगे और थोड़े बहुत इसको मॉडिफिकेशन करेंगे अपने कैफे को। अभी ये थोड़ा पुराने थीम में हुआ, मैं थोड़ा इसको गेमिंग थीम के अंदर करना चाह रहा हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बाकी आप मुझे बताएं, आपको ज़्यादातर कौन से गेम पसंद है, पीसी गेम पसंद है आपको या मोबाइल गेम पसंद है, तो मैं आइंदा नेक्स्ट फिर गेम उसी पे बना लूँगा, पीसी गेम पे या मोबाइल गेम पे, जो आप बोलोगे। बाकी मैं कर लूँ थोड़ा कच्चा अच्छा साफ। ये देख रहा है कितनी सिगरेटें पी हैं यार, कौन गंदे लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस गेम में ऐसे गिलिच है, आप भी गेम खेलोगे ना, ये आप दर्शन देख सकते हो। ये मैंने एक खरीदी थी एक, उसके बाद फिर शायद मैंने दूसरी भी खरीद ली थी बाहर उससे। ये जो है ना बंदा, दिखाता हूँ, ये जो बंदा है पॉन शॉप ओनर से मैंने एक और मशीन ले ली थी। फिर उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, जब मैं ऑफलाइन खेलता था ना गेम, जब मैं रिकॉर्ड नहीं करता था वीडियो, तो ये हुआ कि एक ऑटोमेटिक मशीन आ जाया करती थी बीच के अंदर, यहाँ बीच के अंदर इस जगह पे एक मशीन आ जाया करती थी, ये वाली बिल्कुल सेम। मैलारी तो मैंने खरीदी नहीं, फिर कैसे आ गई, और कोई सामान चोरी भी नहीं होता था, मैंने पता नहीं क्या चक्कर है। तो ऐसे करके मैं ऐसे दो दफा सीन हुआ। तो आज भी मैंने मतलब कि गेम में थोड़ा बहुत खेला था, तो उसके अंदर ये पांच ही मशीन भी आ गई थी। पहला ये सही है भाई, ये तो मैं मुझे मुफ्त में मशीनें मिल रही हैं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है हमारी इनकम अच्छी होगी, और क्या हो सकता, और क्या होगा, इनकम हमारी और अच्छी हो जाएगी। बात तो सही है भाई, यही हो सकता है। बाकी पहले चलते हैं, मैंने अपने कैफे को कर दिया ओपन, इसको कर लेता हूँ फोकस। बाकी आपने देखा, आपको पता होगा मैंने शेफ़ तो रेंट पे रखा हुआ ही था वैसे भी, लेकिन मुझे उसका यूज़ नहीं पता चला था कैसे उसको यूज़ करना और किचन को कैसे ओपन करना। तो अभी हम लोग किचन खोलेंगे, तो उससे पहले मैं ये थोड़ा बहुत वॉल का कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा वॉल का कलर में थोड़ा वेटिंग कर लेता हूँ। ये आगे हमारा फ्लोर जिसमें हम चलेंगे, ये आगे ऊपर की सीलिंग, अभी ये वाली हुई भी बेकार है, ग्रे पैटर्न सीलिंग। मैं करवाऊँगा कोई दूसरी अच्छी सी
यार इतनी भी कोई खास नहीं है, ये ब्लैक वाली कुछ बेहतर लग रही, ब्लैक वाली करवा लेते हैं। बाकी आपको कोई और से अच्छी लगे तो मुझे वो बताना, ये मैंने करवा ली ब्लैक। अब देखता हूँ ऊपर कुछ हुआ फ़र्क। हाँ यार तो ब्लैक ऊपर सब ब्लैक हो गया, और थोड़ा प्रीमियम फील मुझे लग रहा है। ये मैं समझ नहीं यार दोस्तों, ये देखें इससे पता नहीं क्या मॉनिटर ख़राब हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन बंदे यहाँ बैठ रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चल रहा। ये क्या है? अब भाई तू क्या देख रहा साले, मुझे तेरी कुर्सी लेता हूँ। इसलिए मैंने खोला है, इस दिन के लिए मैंने इंटरनेट कैफे खोला है, गंदे बच्चे। अगर दोस्तों मैं इसको नहीं हटाता ना तो हमारे कैफे की रेटिंग बहुत बुरी आती। वैसे पैसे तो देता ही है, ऐसा नहीं पैसे नहीं देता ही, लेकिन फिर भी यार अच्छा ही लगता कसम से, लोगों को सुकून नहीं कहीं पे भी यार। चलो बाहर में इसकी बात करता ही, सीलिंग मैंने कर ली चेंज। बाकी अब एक काम करते हैं कि अब कर लेते हैं वॉल वगैरह चेंज करते हैं। अब एनी वाटर, ये देखो ये आप देख रहे हैं रेटिंग 1.79, कितनी बुरी रेटिंग है। किसी और ने मुझे रेट करा, देर आर पीपल वॉचिंग 18+ वीडियो इन दिस इंटरनेट कैफे, ये तो मसला यार, थोड़ा देखना पड़ता सब कुछ यार। और मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर चोर आया। सुल्तान अबे रुक, ए सुल्तान, ए ए ए क्या कर रहा है अबे, क्या होगा लगता है भाई। अरे यार ये फकीर है यार, अंदर इसको भी बाहर भगाना पड़ता है। तो बाकी फिर यही है कि इसको मैं बाहर भगा देता हूँ पहले, वरना ये औरों को परेशान करेगा अपना। कहाँ फंस गया भाई तू, निकल यहाँ से बाहर जा। अच्छा होगा उसमें नहीं फंसा ये, वरना वो भी उड़ जाता और फिर मुझे रेटिंग बुरी दे के आता। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी सीलिंग वगैरह को मैं करता हूँ सही। सीलिंग तो इसकी अच्छी हो गई है, अब साथ के साथ देखता हूँ किसने क्या। इंटरनेट कैफे बट नो गेम्स टू प्ले, लुल लुल नहीं होता भाई, लोल होता है। बाकी हाँ यार बात तो सही यार, मैंने गेम नहीं करवाए इतने अपने इंटरनेट कैफे में। चलो आज गेम वगैरह भी डलवा लेते, तो पहले मैं एक काम करता हूँ गेम वगैरह डलवा लेता हूँ, और गेम वगैरह डलते हैं यहाँ पर गेम्स में जाते हैं। मैं लास्ट टाइम सबसे शुरू करने GTA 6 करवाया था यार। देखो मज़े की बात ये है कि GTA 6 ऑफिशियल अब तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इस गेम के अंदर इसका इंटरनेट कैफे सिमुलेटर इसका लॉन्च हो गया। बताओ यार यहीं के लोग यार मतलब के लकी हैं जो इंटरनेट कैफे सिमुलेटर में GTA 6 खेल रहे हैं। चलो यार मैं काम करता हूँ सारे गेम बाय कर लेता हूँ, ताकि जो खेलने वाला गेमर वगैरह है उसको सब गेम मिले। हाफ लाइफ बाय कर लेते हैं, ये फीफा है इसको फीफा कर दिया है, ये साइबर पंक वाला है इसको चेंज कर दिया नाम, ये मेरे ख्याल से कोई होगा ये इसको बाय कर लिया। द विचर 4 इसका नाम सुना है, ये अवेंजर वाला है इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पैसे तो देखो अपने पास बहुत हैं, इतने गेम सारे मैंने बाय कर लिए इतने भी। अब कोई भी गेम ऐसा नहीं है, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि इस कैफे में गेम ही नहीं है। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। देखो इसने भी बुरी रेटिंग दी, देर आर वेरी फ्यू गेम्स इन द इन दिस कैफे, अब फ्यू के अब सारे गेम आ गए, अब जो तुम्हारा दिल करे खेल लो भाई। मुझे यार बार बार ये देखो, मैं आपको इसी का कह रहा था, ये चोर जा रहा है ना इसको नज़र रखनी पड़ती है, ये बार बार ये चोरा के आ रहा होता है। बाहर जा बेटा बाहर जा, फिर तेरे को लगाता हूँ एक डंडा। मैं रखता हूँ डंडे को अंदर। यार इन चोरों का दौड़ यही है कि मुझे बॉडी गार्ड रखना पड़ेगा, तब जाके चोर अंदर नहीं आ सकता। चलो बॉडी गार्ड तो रखेंगे बाद में, पहले अपने कैफे करते हैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई। क्या लेके जा रहा था? ओहो साइबर टेरिटोरियल मशीन लेके आ रहा है, वाह। हाँ डायरेक्ट बड़ा माल ले रहा है, वाह सही है भाई सही आ रहा है। इसको मैं रखता हूँ यार, कोट कर देता हूँ। 5 मशीन हो गई हमारे पास, जो कि हमें बहुत अच्छा पैसा कमा के देती हैं। ये बंदा सैड है, यानी क्या कर रही है। चल एक काम करता हूँ, पहले अब वॉल वगैरह का चेंज करता हूँ मैं। वॉल किस टाइप की रखूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि करनी तो है ना कोई ना कोई। ये आ गई वॉल, ये आ गई वॉल, हमारे पास
ये ब्रेक वाली भी अच्छी, थोड़ी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग में हुई हुई, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास यही वाली लगी हुई। इसको मैं करके देखता हूँ बाय। देखिए मेरे ख्याल दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ा यही वाली, क्योंकि हमारे हुई हुई है, लेकिन उसका ना डार्क कलर मुझे लग रहा था इसलिए मुझे वो अच्छी लग रही थी। तो बाकी यही है कि अब मैं इसको दूसरी मतलब के चेंज करता हूँ वॉल। दोबारा गए ऐसी डिज़ाइन है, ये मेटल कॉर्गरेट वाली अच्छी लग रही है मुझे जो ब्लू कलर में है। बाकी रेटिंग देखते हैं, रेटिंग इसकी ज़्यादा है, रेटिंग जो है सबकी तकरीबन ज़्यादा ही है। ये भी अच्छी है अपनी जगह पे, लेकिन पहले काम करते हैं डैमेज वुड डिज़ाइन, डैमेज वाली। यार ये आजकल बताओ डैमेज पेंटें आ रही थी, अब डैमेज वॉल भी आ रही है। वाह ये भी सही है। चलो चलो मैं काम करता हूँ मेटल कॉर्गरेट कोरूगेटेड वाली करता हूँ, इसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा। इसको मैंने कर लिया बाय। आप देखते हैं अपना इंटरनेट कैफे कैसा हो गया। वाया थोड़ा बदलाव तो आया यार, वैसे तो थोड़ा बहुत ढंग का तो लग रहा है, लेकिन फिर भी इतना मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा मज़े की बात ये कि अंदर की भी हो गई वॉल सही यार, ये सही है मतलब कि बेहतर है ये। चलो चलो अभी फ़िलहाल इस पर चलते हैं अपन, ऊपर से थोड़ा ब्लैक, नीचे से फ्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। ये बाज़बत लोग दोस्तों ग्लिच आया था, ये बिटकॉइन वगैरह के चक्कर में कुछ होता है चक्कर। बाकी अब मुझे माशाल्लाह से रेटिंग बड़ी प्यारी मिल रही है, आप देख ही सकते हो। अंधे है क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। बाकी मैं अब एक करता हूँ सीलिंग वगैरह को, देखता हूँ सीलिंग तो हो गई। खैर अब फ्लोर को करता हूँ चेंज, फ्लोर जिस पर लोग चल रहे हैं ये थोड़ा बहुत करता हूँ बेहतर। यार मेटल वाली बड़ी बेहतरीन लग रही है, लेकिन ब्लैक भी कुछ कम नहीं लग रही। एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ मेटल वाली मैं करता हूँ, बाकी अगर आपको कोई और से अच्छी लगे तो मुझे वो भी बता देना, तो वो भी कर लेंगे। बाकी पीसी का वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी दिन हो गए वॉलपेपर चेंज करे हुए। यार कोई ढंग के वॉलपेपर ही नहीं, गेमर वाली फील ही नहीं आ रही कोई। एक काम करता हूँ इसी को लगा देता हूँ, चलो ये सही है, ये थीम के साथ थोड़ा मैच भी कर रहा है। ये देखो दोस्तों क्या बेहतरीन हो गई यार, अब थोड़ा लग रहा है ना कि यार इंटरनेट कैसे है कुछ, ये अब लग रहा है बेहतरीन। फकीर फिर से आ गया, मुझे इसको भगाना पड़ेगा ना, वरना वरना लोग बुरी बुरी रेटिंग देंगे। इसको ही मार देता हूँ। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। इसको ही मैंने मार दिया, कंप्यूटर भी हिला हिला दिया इसने मेरा। यार देखो चोर को मारना पड़ता है, भले अब आपका सामान लेने के बाद मारो या पहले मारो, लेकिन मारना पड़ता है आपको, कि वो कोई ना कोई सामान उठा के लेके आएगा। हमारे कस्टमर हमारे हमसे वो होंगे, अच्छी रेटिंग उनको नहीं अच्छी रेटिंग मतलब कि नहीं देंगे फिर वो। होमलेस केम इन ओनली वॉन्टेड टू वार्म अप बट दिस मैन बीट हिम। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको होमलेस का आने आने में कोई मसला नहीं होता, अब जिसने मेरे खिलाफ मतलब की रेटिंग दी है कि मैंने बिला वजह होमलेस को मार दिया है। देखें यार क्या करूं यार, मतलब ज़्यादा लोग तो उनकी सोच तो ये नहीं ना। चलो अब एक काम ये करते हैं, पहले किचन वगैरह खोलते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे रेंट पे लेना पड़ेगा किचन दार से, हर चीज़ रेंट पे आती है आजकल। यार किचन जो किचन कर लेते कर लेता हूँ बाय। ये थोड़ा एरिया इसको भी कर लेते हैं बाय, सोच रहा हूँ आय का भी कर लेता हूँ। अब और आएगा मैं बाद में देखूँगा, पहले मैं ये एक्सप्लोर करता हूँ कि इसमें मतलब क्या क्या खुला है मेरा। चलो देखता हूँ बाकी, मैंने किचन तो किचन कर लिया ओपन, फाइनली किचन में किचन के मैं अंदर आ चुका हूँ। बाकी और ये तो शेफ है क्यों नहीं, ये तो मुझे डरावना लग रहा यार। मेरा गेम थोड़ा लैग कर रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी सामान खोल चुका हूँ मैं। ये देखें ये वाला कमरा भी खुल चुका है और ये वाला एरिया अब तक लॉक है। चलो मेरे पास अभी बहुत सारी जगह हो गई, तो पहले मैं इसको रेनोवेट वगैरह करता हूँ, अच्छे से मॉडिफाई करता हूँ क्या क्या सामान चाहिए मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। बाकी मैं पहले देखना चाहता हूँ कि शेफ कैसे काम करता है अपना। अभी लड़की बैठी कंप्यूटर पे जाके देखता हूँ, उसको कुछ चाहिए खाने पीने के लिए। एक बार मैडम क्या मैम आपको कुछ चाहिए। अरे यार ये देखो दोस्तों यही गिलच होता है अक्सर यार। प्रैंक हो गया आपके साथ।
मैं कुछ और करना चाह रहा था लेकिन हो कुछ और गया। अब इसको चाहिए ड्रिंक, अब मैं देखता हूँ ड्रिंक वगैरह हो जाएगी वहाँ पर। ड्रिंक दे भाई, ड्रिंक दे। अबे ड्रिंक दे भाई, क्या कर रहा है या मुझे पीस से सब कुछ नहीं करना है, पीस से देखता हूँ पीस से कुछ होता है क्या। चले हम एक काम करते हैं, मैसेज पे जाते हैं और उसको यार भेजें कैसे, ये मुझे अब तक पता नहीं चला कि इनको कस्टमर को देनी कैसे। कस्टमर टिप दी मुझे, वाओ। लेकिन समझ में यार टिप क्यों दी मुझे। चलो टिप दे दी तो अच्छी बात है, बाकी ये बंदा जाके बैठ रहा है कंप्यूटर पर। ये भी देखो, नहीं भाई गंदी बात यार, क्या हो गया अंकल। अपनी वो देखो यार, अपनी उम्र देखो, हरकत देखो। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, इतने अच्छे अच्छे गेम हैं डाले में और आप लोग ये देख रहे हो यार, ऐसा थोड़ी ना होता। अभी मैडम आई हैं, ये यकीनन कोई अच्छे काम ही करेंगी। अब ये देखते हैं, कुछ मांग तो नहीं रही हमसे। इसका मैं थोड़ा बहुत दूर कर लेता हूँ और कुछ करूँगा नहीं मैं। इसको चाहिए बर्गर भाई, बर्गर चाहिए मुझे जल्दी से। मैं बर्गर दे, कहाँ से आएगा बर्गर। छोटी बच्ची हो क्या यार, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। बाकी मैं यहाँ से चेक करता हूँ क्या सीन है भाई। आज का एपिसोड होने वाला थोड़ा बड़ा, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ चेंजिंग करनी है, अपना पीसी वगैरह भी बिल्ड करना है, बहुत सी चीज़ें करनी है। तो क्या नाचो मैं? तो बाकी यही है कि पैसे हमारे पास माशाला से बहुत हैं, अभी मेरे इतना खर्चा करवा ले, लेकिन फिर भी अभी इतने पैसे कम नहीं हुए मेरे हिसाब से, इतने होने चाहिए। तो चाहिए चॉकलेट, मसला ये दूँ कैसे इनको मैं। मैं इनको देना चाहता हूँ लेकिन समझ में जा रहा है कि दूँ कैसे। तो बोलता हूँ भाई टेप करता हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा कहीं पर भी कुछ करने से। ये पता नहीं क्या ही करने में लगा हुआ। चलो खैर मैं एक काम करता हूँ, अमेजोन से मंगवाता हूँ सामान, और कैफे बंद करने का भी टाइम हो चुका है। तो बाकी इसको अब तक चॉकलेट नहीं मिली यार, इसको चॉकलेट कैसे दूँगा। पहले देखता हूँ कि इसको चॉकलेट मिली भी या नहीं मिली। यार चॉकलेट नहीं मिली तो आप लोग मुझे थोड़ा बताना कि इनको हम लोग कैसे मतलब दे सकते हैं। अरे यार यहाँ से देना ही क्या चॉकलेट वगैरह सब कुछ। चलो नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से करूँगा कुछ, बाकी किचन को कर लेते हैं। अच्छा ये पहले मुझे अपने स्टॉक में रखनी पड़ेगी। चलो इनका मैं कर लेता हूँ अच्छे से बाय। ठीक ये कर लेते हैं, पैसे हमारा बहुत है तकरीबन, इन सबको मैं कर लूँगा ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि बिकेगी यार अपने को पैसे मिलेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ गेम को, वरना पहले मैं इतना मुझे पता नहीं था इस गेम के बारे में। ये आ गया मीट, खैर गोश्त कौन ही खाएगा इसके अंदर, लेकिन रख लेते हैं, क्या पता किसी को पसंद होता हो। यार सस्ती चीज़ें तो मैं ज़्यादा लूँगा, फिलहाल चीज चीज़ ले लेता हूँ, देखता हूँ बिक्री नहीं बिक्री, अगर बिक्री नहीं होगी तो फिर 100 कर लेंगे। पैसा अपने पास बहुत है माशाल्लाह से, आर्केड मशीन की बदौलत, और हमारी पब्लिसिटी भी काफ़ी अच्छी हो रही है माशाल्लाह से। बाकी हैम बर्गर थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं है। ये आगे पानी की बोतल है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत दिखती है, इसको मैं ज़्यादा 40, ये मैंने 40 कर ली है। बाकी अब यही है कि सही है, मैंने प्राइस रखी भी लो। ये देखें ये हो गया थोड़ा बहुत, ये चक्कर हुआ है तो थोड़ा बहुत बिटकॉइन वगैरह का कुछ चक्कर होता ही है, इसके बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है। जब तक मैं इसको रखता हूँ ठीक से, क्योंकि ये रखा हुआ थोड़ा गलत तरीके से। और बाकी मैं उस वाले पीसी को भी सही से रखता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि उस पीसी में क्या दिख रहा है। अब इस पीसी भी थोड़ा सही से रखा हुआ नहीं है, इसको मैं फेंकता हूँ यहाँ पर, उसको रखता हूँ दोबारा उठाकर। अब देखना दोस्तों, अब जो भी इस पर कुछ बैठेगा ना देखेगा, अब मुझे साफ दिखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाकी अब मैं कर लेता हूँ पहले अपना कैफे बंद, कर लेता हूँ क्लोज, और हम लोग मंगवाते हैं थोड़ा अमेजोन से सामान वगैरह।
ये देखे वो बिटकॉइन वाला चक्कर होता ना वो ख़त्म हो चुका है। बाकी अब करते हैं शॉपिंग। तो अमेज़ोन पे गए हम लोग, मंगवा लेते हैं क्या आर्केड मशीन मंगवा लेते हैं अलग अलग किस्म की। मैं साइबर डेल्टी से मंगवाते रहता हूँ, तो आज मंगवाऊंगा थोड़ी दूसरी वाली बारकेट एक्स वाली मंगवा लेते हैं। ये वाली भी मंगवा लेता हूँ, कुछ ये मंगवा लेता हूँ जब तक ये बाय हो रही है। और मैं अब तक कुछ और देख लेता हूँ, याली मंगवाता हूँ रेनबो वाली। अब जिसका कम पैसे होंगे अब बेचारा वो कम पैसे वाली भी बैठेगा ना, और मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी पी सी एम मंगवाएंगे बिल्कुल हाई एंड ही, ये मैंने मंगवा लिया सही है। मसला है कि मैं इसमें एड टू कार्ट नहीं कर सकता ज़्यादा चीज़ें एक साथ, मुझे एक एक करके करना पड़ेगा। पंखा मंगवा लो सबसे महंगा वाला, और मंगवाते हैं हम लोग गेमिंग चेयर सबसे बीस्ट वाली यही है। फ़ैन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, कंसोल मंगवा लेते कोई अच्छा सा। ये मंगवा लेता हूँ जॉयस्टिक वाइड वाला, और वाइड वाले कंसोल मंगवा लेता हूँ, और एक ये वाला भी मंगवा लेता हूँ। और इसके लिए मैं मंगवा लेता हूँ एक और वो ये एक और मंगवा लेते हैं, ये जल्दी से ही हटे जॉयस्टिक का। इसको एक और दफ़ा बाय कर लूँगा मैं, इसको मैंने एक और दफ़ा बाय कर लिया। अब मंगवाता हूँ हेडसेट, हेडसेट ये गोल्डन वाला सबसे अच्छा चलता है, तो इसी को मंगवा लेते हैं। कीबोर्ड मंगवा लेता हूँ एक दो, कलरफुल कीबोर्ड मंगवा लेता हूँ एक, माउस मंगवा लेता हूँ अच्छा वाला ये आ गया। हाई एंड लैपटॉप मंगवा लेता हूँ, कौन सा सबसे अच्छा लैपटॉप है यार, गेमिंग Z6 अच्छा लैपटॉप है, इसको मंगवा लेते हैं। बाकी मंगवा लेते हैं टेबल वगैरह की चेयर, इसमें कुछ है गेमिंग कंसोल चेयर जो कि ये आ गई है, इसको मंगवा लेता हूँ मैं। बाकी कंप्यूटर के लिए मुझे कोई बेहतरीन टेबल चाहिए, वुड कॉन्सेप्ट टेबल मंगवा लेता हूँ चलो एक। बाकी कुछ मंगवा लेता हूँ पोस्टर वगैरह जो हमारे गेम को कितने बेहया पोस्टर यार, कौन सा मंगवाऊँगा यार कोई ढंग का ही नहीं। ये मंगवा लो दोबारा, इसको मंगवा लेता हूँ, इसको मंगवा लेता हूँ। बाकी कुछ बाद में भी लगा देंगे, लेकिन यार ये गेम में पोस्टर इतने अजीब से मैं क्या करूँ। चलो मैंने इतना सामान तो मंगवा ही लिया है, अब देखते हैं गेमिंग चेयर एक और मंगवा लेता हूँ, उसको मैं भेज दूँगा पुरानी वाली को। आर्केड मशीन मंगवा लेते हैं एक और, ये वाली मंगवा लेते हैं, और एसी मंगवा लेते हैं, कौन सा अच्छा वाला है, ये वाला अच्छा वाला है, ये मंगवा लेता हूँ मैं एसी। बाकी कुछ फ़ैन और मंगवा लेते हैं, इसको मैं दोबारा मंगवा लेता हूँ। ये वैसे इतना बेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी बेहतर है। सीपीयू अपने पास सबसे हाई एंड वाला वही वाला है बेस्ट ऑफ 99 वाला, इसको दोबारा मंगवा लेते हैं। ये एसी एक और मंगवा लेते हैं, एसी तो यार हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी एसी की, एसी बड़ी कमाल की चीज़ है। आर्केड मशीन मैंने बहुत सारी मंगवा ली है, बाकी एक और लैपटॉप मंगवा लेता हूँ, क्या पता लैपटॉप वाले यूज़र भी आए काफ़ी। बाकी अब कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है जो मंगवाऊँ मैं, और इन्हीं चक्करों मेरे हो गए 1,25,000 रुपये अभी मेरे पास, लोग 201 लाख से ऊपर बचे हैं। तो मैं ये देखता हूँ ये क्या भंड इसमें क्या चक्कर होता है, देखते हैं। चाकू मिला है, वाओ, इससे ज़्यादा पैसे मैंने दिए थे लेकिन कम पैसे मिले थे मुझे, चलो कोई बात नहीं दोबारा ट्राई करते हैं। कटर मिला अब नहीं यार, बेकार हो गया, आखिरी दफ़ा ट्राई करके देख रहा हूँ क्या निकलता है। बे यार ये वायरस पता नहीं क्या होता है यार, ये पता नहीं क्या निकला था। अभी हटेगा तो फिर वही दिखेगा, अभी जल्द से जल्द हट जाए फिर मैं ताकि देख सकूँ। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट करना, और अपने क्या बोलते हैं अपने ख्याल इजहार करना। और यार बेकार चीज़ आई यार, ये तो टट्टी है, छोड़ा है मैं नहीं खेल रहा ये। बाकी अपन किचन में देख रहे थे क्या क्या सामान है, ये सब चीज़ें हैं अपने पास सही है ना। बाकी हमने प्राइस लिस्ट रखी हुई फ़िलहाल, लो ऑर्डर तो हमने करा हुआ ही था, किचन में देख रहे थे सब कुछ है सही है ना। बाकी स्किन केयर को छोड़ो, मैसेज वगैरह भी हम जब जो भी कोई मंगवाएगा ना हम उसको दे सकेंगे। ये थोड़ा तो बेकार चीज़ है, क्योंकि लिस्ट तो हमें पता ही है तकरीबन। हम करते हैं सेल आइटम कुछ जो ब्रांच है ना, हमने सब कुछ तो बाय कर ही लिया है, अब जो भी बंदा आएगा ना वो आएगा आराम से। अब मैं एक बॉडी गार्ड भी रखने वाला हूँ,
चलो कुछ और वगैरह अंदर नहीं आए, स्केच करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। बाजा दोस्तों से बड़ा इनाम भी निकल जाता है। जब मेरा पैसे कम हो जाता ना मैं इसको स्केच जरूर करता था। बाजा मेरे 500 तक भी निकले हैं, 1000 तक भी निकले, लेकिन भाई 5000 भी निकले। ये देखो अभी आपके सामने 100 निकल रहा है ना, अभी कभी 1K भी निकलते, 50 निकल गए। चलो छोड़ो यार, पैसे तो अपने पास ज़रूरत नहीं है भाई। कंप्यूटर पे भी दोनों एम्प्टी हैं। कंप्यूटर का ब्रांड देखो कितना है, 1100 कुछ है, और उसका है 1600 कुछ, क्योंकि हमने अपना कैफे काफ़ी अच्छा करा है, तो इस वजह से इसके पैसे भी और बढ़ गए हैं। बाकी बिल हमें फ़िलहाल अभी किसी चीज़ का भी नहीं देना, तो बाकी मैं काम करता हूँ, टेबल और मंगवा लेता हूँ। टेबल मुझे लग रहा है कम पड़ेंगी, तो टेबल और चेयर और मंगवा लेता हूँ। गेमिंग चेयर आ गई अली, और टेबल मंगवा लेते हैं एक और गुड कॉन्सेप्ट टेबल मंगवा लेते हैं, और लॉन्ग वुड टेबल भी मेरे ख्याल अच्छी लग रही है, और एक गेम कंसोल टेबल भी एक और मंगवा लेता हूँ। बाकी चलो जितना सामान आ गया उसको मैं अब तक रखता हूँ अंदर। बाकी आप बताओ आपको कैफे का लुक कैसा लगा, अगर आपको इससे और अच्छा चेंजिंग चाहिए या कुछ चेंजिंग चाहिए जो आपको अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे तो बारिश हो गई डब्बों की यार, भाई तू क्यों पड़ा यहाँ पर, ये एयर कंडीशन आ गया। अभी मैं सारा सामान यहाँ पे रखने वाला हूँ, आगे का तो खैर लॉक ही है। ये गेमिंग G60 लैपटॉप होता है, इसको मैं रख दूँ यहीं पर फिलहाल। लैपटॉप मैंने कैसे फेंका है, टूट नहीं जाए, लैपटॉप नाजुक होता है बहुत। ये आगे टेबल हमारी प्यारी सी, इसको रखते हैं यार, ये तो इतनी कोई प्यारी नहीं है, सही है बस नॉर्मल है। मैं सोच में ये बंदा यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, क्या इसको जगह नहीं मिल रही इसलिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये एक कैफे खुलने का इंतज़ार कर रहा है। चलो खैर जो भी हो, पहले मैं अपना सेटअप भी करूँगा, जब जाकर कैफे खोलूँगा, भले इसके लिए मैं टाइम लग जाए थोड़ा बहुत। ये मैं सामान रख देता हूँ, तो चलो दोस्तों मैं आता हूँ, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ मैं, अब तक ये सब सेटअप वगैरह करता हूँ, सब सामान रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अभी मिलता हूँ 2 मिनट में बस। 2000 years later आप लोग रेडी हो, मैंने कहा था 2 मिनट में, एक्चुअली 2 मिनट वो हो गए मेरे 2 दिन, तो मैंने उस वक्त तो गेम सेव करके बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी सुस्ती आ रही थी यार, क्योंकि आपको पता होगा मैंने बहुत सारा सामान मंगवाया था। कह रहा हूँ मैंने वो सेटअप कर दिया, तो आप अपनी आंखें बंद करो और फिर आप अपने कैफे को पहचान ही नहीं पाओगे। ये हमारा कैफे आ गया इस साइड पे, ये बंदा देख रहे हैं आप, ये हमने बॉडी गार्ड रखा था, इससे बहुत फ़ायदा हुआ यार। वैसे मैंने नोट करा था, आप मेरे पैसे भी देख सकते हैं, मेरे पैसे बहुत इंक्रीज है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ऑफलाइन खेल लिया था ये रिकॉर्डिंग करने से पहले, कि मैं थोड़ा बहुत किचन विचन का थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहा था, कि किचन में कैसे सर्व करेंगे खाना वगैरह मेहमानों को, जो हमारे क्लाइंट आएंगे, जो कस्टमर आएंगे, तो मुझे इसका सब पता चल गया। बाकी ये कि ये जो बॉडी गार्ड है ना, ये थीफ को भी रोकता है, हमने किचन भी अनलॉक कर लिया था। 3, 2, 1 तो आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से अपना कैफे सब सेटअप। अरे यार गंदगी हुई हुई यार, चलो छोड़ो गंदगी साफ करेंगे बाद में, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये तो खैर वही है पुराना, ये देखे पूरा। आपको गेम थोड़ा बहुत हैंग लग रहा होगा, लेकिन असल में मैंने इसमें सामान काफ़ी लगा लिया ना अंदर कैफे के अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बाकी मेरे मोबाइल की मेमोरी भी कम है, ये देखे पूरा मैंने इसके अंदर सेटअप लगा लिया गेम कंसोल का, ये जो प्ले स्टेशन मैंने एक्सबॉक्स और यहाँ पर लगा दी, कि जो गेमर आएंगे वो उनके लिए आला मतलब की हम जगह बने कर दिए। Oh my God! Wow! ये देखिए पूरा ये वही है। बाकी एक छोटा सा मैंने एक गेम कॉन्सोल यहाँ पे लगाया PS5, यहाँ पे 2 PC रख दिए मैंने, उसको पीछे बैठना, PC हमारे पास बहुत कम है। ये देखिए 2 ये PC है और 2 वहाँ पर 4, और ये आर्कन मशीन हर किस्म की, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कम सस्ती वाली भी खेल सकता है। बाकी हमारे 20 आर्कन मशीन की हमेशा अच्छी रेटिंग मिलती है। तो चलो तो ये अपना किचन जो अपने खोला था लास्ट टाइम, तो चलो मैं सफाई करता हूँ, फिर अपना करते हैं कैसे खोलते हैं।
मतलब के शराब पी हुए इंसान को अंदर घुसने देगा ना ही मतलब के चोर को अंदर घुसने देगा, इससे बहुत फ़ायदा यार। चलो मैंने ओपन कर दिया, अब कस्टमर देखते हैं कितने आते हैं। वाह, पहले फकीर अंदर आया, इसको मैं पहले निपटा देता हूँ। मैं गरीब हूँ। अरे अरे भाई, इसको मुझे मारना जरूर था यार। कस्टमर नहीं आया अब तक, क्या बात है। अरे आ गए। ये देखो कितने बंदे आ रहे, 2 3 4 5। सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। तो लाइन लगी, ये तो लाइन लग पड़ी यार, ये तो पूरा पटियाला आ गया वाकई में। ये देखो। अच्छा मुझे ये बताना कमेंट के अंदर कि मैं कोई हॉरर सीरीज स्टार्ट करूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो जब सपन ने सेटअप करा अपना सेटअप, वो स्टोर बड़ा करा, इसके से हमारे बहुत कस्टमर आते हैं। तो आप ऐसे पैसे मेरे देख सकते हैं, अभी थोड़ा बहुत ग्लिच हो गया था तो इसलिए वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो बाकी ये कि मैं बस वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, और आपको इसकी इस गेम के लिए सीरीज़ की और एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो फिर मुझे कमेंट में ये बताना कि मैं हॉरर गेम प्ले की सीरीज स्टार्ट करूँ या नहीं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। बाकी गेम में गिल्ली बहुत अच्छी, थोड़ा बहुत मेरा दिल नहीं कर रहा उसके ऊपर बनाने का, बाकी अगर आपका होगा तो बना दूंगा और एपिसोड। असल में पता नहीं क्या मसला हो रहा है इस गेम में। अभी तो खैर कस्टमर सारे जा चुके हैं, अब मैं सोने जा रहा हूँ अपना, और मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सही है दोस्तों, फिर अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और हाँ एक और चीज़ भूलना भूल गया, ये आपको जो मैंने कुछ इसमें मीम जो डाली आपको कैसी लग रही है, अगर आप चाहो तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कमेंट में बताएं अगर आपको अच्छी लगे तो वो ही बताएं, नहीं अच्छी लगे तो वो ही बताएं। ठीक है दोस्तों, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।
फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इसे अपने पन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।